तरुण चुग जी से बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है तरुण जी, आज की ये जो ज्वाइनिंग हुई है तरुण सर, बड़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आज तो सुशील रिंकू जी की ज्वाइनिंग, महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग। भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ रही है लगातार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से गुवाहाटी तक। भाजपा का ग्राफ भी बढ़ रहा है, भाजपा के प्रति लोगों का मन भी, आशीर्वाद भी। ये एक लहर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत आपकी बार फिर सरकार बने, उसके लिए जनता में एक आशीर्वाद का भाव है। आने वाले समय में और ज्वाइनिंग हो सकती है, भाजपा रुकने वाली नहीं, आगे बढ़ेगी। एक सवाल सर, आज ईडी के कई छापे पड़े हैं पंजाब के ऑफिसर्स के ऊपर, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? मेरे पास जानकारी नहीं है। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे साफ तौर पे तरुण चुग। आने वाले समय में और भी कई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। तरुण चुग जी से बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है तरुण जी, आज की ये जो ज्वाइनिंग हुई है तरुण सर, बड़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आज तो सुशील रिंकू जी की ज्वाइनिंग, महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग। भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ रही है लगातार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से गुवाहाटी तक। भाजपा का ग्राफ भी बढ़ रहा है, भाजपा के प्रति लोगों का मन भी, आशीर्वाद भी। ये एक लहर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत आपकी बार फिर सरकार बने, उसके लिए जनता में एक आशीर्वाद का भाव है। आने वाले समय में और ज्वाइनिंग हो सकती है, भाजपा रुकने वाली नहीं, आगे बढ़ेगी। एक सवाल सर, आज ईडी के कई छापे पड़े हैं पंजाब के ऑफिसर्स के ऊपर, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? मेरे पास जानकारी नहीं है। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे साफ तौर पे तरुण चुग। आने वाले समय में और भी कई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। तरुण चुग जी से बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है तरुण जी, आज की ये जो ज्वाइनिंग हुई है तरुण सर, बड़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आज तो सुशील रिंकू जी की ज्वाइनिंग, महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग। भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ रही है लगातार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से गुवाहाटी तक। भाजपा का ग्राफ भी बढ़ रहा है, भाजपा के प्रति लोगों का मन भी, आशीर्वाद भी। ये एक लहर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत आपकी बार फिर सरकार बने, उसके लिए जनता में एक आशीर्वाद का भाव है। आने वाले समय में और ज्वाइनिंग हो सकती है, भाजपा रुकने वाली नहीं, आगे बढ़ेगी। एक सवाल सर, आज ईडी के कई छापे पड़े हैं पंजाब के ऑफिसर्स के ऊपर, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? मेरे पास जानकारी नहीं है। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे साफ तौर पे तरुण चुग। आने वाले समय में और भी कई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।